हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पंजाबी पकौड़ा कढ़ी। ये सभी की बहुत फेवरेट होती है। इसमें बेसन के पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसे क्रीमी योगर्ट यानी कि दही और बेसन के मिक्सचर के साथ जो है पकाया जाता है। बहुत ही टेस्टी होती है। इसे स्टीम राइस के साथ सर्व किया जाता है। तो आजकल ये हर घर में बहुत ही फेमस हो चुकी है और सभी इसे बनाना और खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए मेरे स्टाइल में आज बनाते हैं पंजाबी पकौड़ा कढ़ी। सबसे पहले हम बेसन के पकौड़े बनाएंगे। एक बोल में हम हाफ कप बेसन ऐड करेंगे और हाफ कप ही बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली चॉप करके ऐड करेंगे फाइनली, एंड सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा पकौड़ों का। और इसे पहले हाथों से ही हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम सेमी थिक बैटर बनाएंगे, जैसा हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सेमी थिक बैटर तैयार किया है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी, ना तो बहुत पतला है बैटर और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। पकौड़ों की कंसिस्टेंसी तक आपको ले आना है बैटर, ये देखिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून हॉट ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप ऐड करेंगे तो इससे अच्छे बनेंगे पकौड़े। अच्छी तरह हम एक बार इसे मिला लेंगे। उधर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम पकौड़े तोड़ देंगे। हाथों से ही मैं तोड़ रही हूँ, छोटे छोटे, देखिए। इस तरह से हम पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे अच्छा कलर आने तक। तो जैसे आप नॉर्मली पकौड़े तैयार करते हैं, उसी तरह से इसके पकौड़े भी तैयार करने हैं। हमने इसमें किसी भी तरह का सोडा या इसको सॉफ्ट बनाने के लिए कोई भी तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी हमारे पकौड़े जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बने हैं अंदर तक। मैं आपको आगे इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। आइए अब हम बेसन और दही का बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप होममेड दही लिया है। ये घर का ही बनाया हुआ दही है। इसके साथ मैंने 1/4 कप बेसन लिया है ग्राम फ्लोर। अगर आप स्पून में लेंगे तो ये 3 टेबल स्पून है। इसको हम ग्राइंडर जार में ले लेंगे और इसके साथ 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं। इसका हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अगर आप ग्राइंडर जार में ये प्रोसेस करेंगे तो ऐसा करने से आपकी दही जो है फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा उसका। बेसन भी ऐड कर दिया है मैंने ग्राइंडर जार में। अब हम इसको एक फाइन जो है लिक्विड के रूप में तैयार कर लेंगे, लम्स फ्री, और इसे एक पैन में निकाल लेंगे। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम क्रीमी सा है, लम्स फ्री है। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। पहले हम इसमें 1 कप वाटर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 6 से 7 मैंने करी पत्ते लिए हैं, उसको भी ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर है ये। इन सभी को हम अच्छी तरह मिला लेंगे और अब हम इसे फ्लेम पर रखेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे रखेंगे अभी हम। कंटिन्यू स्टर करते रहें आप जब तक कि इसमें एक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता है। बॉईल आने के बाद आप फ्लेम को लो कर दें और इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकने दें, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है या क्रीमी नहीं हो जाती है। बिकॉज कढ़ी जो होती है उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा क्रीमी सा होता है और गाढ़ा होता है। तो इसे आप पकाते रहें, 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे। आप इसका कलर देखिए और ये जो है इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ी सी ये थिक हो गई है, क्रीमी सी हो गई है। अब हम इसमें तैयार किए हुए पकौड़े ऐड करेंगे। उससे पहले मैं पकौड़ों का टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो हमने तैयार किए थे पकौड़े, मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ अंदर से किस तरह का टेक्सचर है। देखिए कितने सॉफ्ट हैं अंदर ये। इन सभी पकौड़ों को हम कढ़ी में ऐड कर देंगे।
और इसे अच्छी तरह चला देंगे एक बार और। पकौड़े डालने के बाद आपको इसे 5 मिनट और पका लेना है ताकि पकौड़ों में अच्छी तरह से ग्रेवी जो है अंदर तक अच्छी तरह से जो है सोख हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे और बस हमारी कढ़ी एकदम बन करके तैयार है। अब हम इसका एक तड़का बनाएंगे बहुत टेम्पटिंग सा, जो इस कढ़ी को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। तो हम फ्लेम को यहाँ पर स्लो ही रखते हैं अभी और तब तक इसका जो है हम तड़का तैयार करते हैं। आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। कढ़ी का जो है टेक्सचर बहुत बढ़िया आ गया है। अब ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दें और इसका तड़का बनाएंगे हम। एक पैन लेंगे छोटा, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, जीरा ऐड करेंगे, 6 से 7 करी पत्ते और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग से फ्लेवर अच्छा आएगा। 2 मैंने रेड चिली ली है तोड़ करके, उसको भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हिला लेंगे इनको। उसके बाद 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। इन सभी को हम जो है तड़के को इसमें कढ़ी में ऐड करेंगे गरम गरम। अच्छी तरह मिला लेंगे। कढ़ी हमारी बढ़िया बनकर के तैयार है। तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आइए इसे सर्विंग बोल में हम सर्व कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया आया है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है। जो हमने ऊपर से तड़का दिया था उससे ये बहुत ही फ्लेवरफुल हो गई है। तो इस प्रोसेस से अगर आप कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। कई बार ऐसा होता है दही की वजह से कढ़ी फट जाती है, तो अगर आप ग्राइंडर में पहले उसे जो है ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है पैन में ऐड करके बाद में फ्लेम ऑन करेंगे तो कढ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। थोड़े से धनिया पत्ता से हम गार्निश करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।